माय डियर यूटर्नर्स, वी आर बैक विद अनदर क्वेश्चन इन दिस एपिसोड। प्यारे यूटर्नर्स, हम एक और सवाल के साथ इस एपिसोड में लौट आए हैं। ऑल ऑफ यू हैव बीन कमेंटिंग योर क्वेश्चंस इन आवर पास्ट वीडियोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू आंसर वन ऑफ दोस क्वेश्चंस। सब लोग हमें कमेंट में सवाल करते हैं और वीडियोस भेजते हैं, और आज हम उसमें से एक सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। टुडे वन ऑफ यू हैव आस्क्ड, व्हाट डज इट मीन व्हेन गॉड इज साइलेंट टू आवर प्रेयर्स। आप में से किसी ने पूछा है कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के बारे में चुप रहते हैं, इसका मतलब क्या है? How do we know that God is working? हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर काम कर रहा है? Yes, my dear friends, this waiting period is always a very torturous one. हाँ प्यारे दोस्तों, ये इंतजार का जो समय होता है वो बहुत परेशान करता है। When we pray for God to do a miracle or when we ask for God to do something in our life, जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करे या कुछ करे, it's typically one of these three answers. तो खास करके इसके तीन जवाब होते हैं। So when we do get what we pray for, तो जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं जब हमें मिल जाता है, sometimes it's according to God's will. कई बार ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। And when we don't get what we prayed for, और जिसके लिए हमने प्रार्थना की जब हमें वो नहीं मिलता, it is because God has prepared something better for us. ये इसीलिए होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतर रखा है। But when we wait for God to answer our prayer, जब हम प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए प्रभु की राह देखते हैं, it is usually because he wants us to be shaped and prepared for what he wants to give us. ऐसा इसीलिए होता है कि वो हमें आकार दे जो देना चाहता है, उसके लिए तैयार हों। We can't expect someone who weighs 40 kg. हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि 40 किलो का व्यक्ति to lift something which weighs 100 kg. कि वो 100 किलो का जो वजन है उसे उठाए without doing any work for it. उसके लिए मेहनत किए बिना। That person has to train and develop himself so that he can lift that load. उस व्यक्ति को अपने आप को ट्रेन करना है ताकि वो इतना वजन उठा सके। And it takes a lot of time. इसके लिए बहुत सारा समय लगता है। In the same way, और इसी तरह से, God may want to train us and shape us so that we are ready for the blessing that He gives us. परमेश्वर हमें ट्रेन करके आकार देना चाहता है ताकि हम उसकी आशीषों के लिए तैयार हों। Many times He teaches us many lessons. कई बार वो हमें पाठ सिखाना चाहता है। He may teach us how to be humble. वो हमें सिखाएगा कि कैसे नम्र बने। He may teach us patience. हमें धीरज सिखाएगा। He may want us to see people in the similar situation that we are going through. हम जिस परिस्थिति में से जा रहे हैं वैसी परिस्थिति के लोग दिखाएगा। And he may want to teach us compassion. शायद वो हमें करुणा सिखाना चाहता है। So in different situations that we go through, तो हम जिन अलग-अलग परिस्थितियों से जाते हैं, when we don't get our blessing or our answer right away, जब हमें तुरंत आशीष और उत्तर नहीं मिलता, we must listen for what God wants to teach us. तो हमें सुनना होगा जो परमेश्वर सिखाना चाहता है। And this waiting makes us to grow impatient. इंतजार करने से ही हम धीरज में बढ़ते हैं। I read a story. मैंने कहानी पढ़ी थी about a king. एक राजा के बारे में। Who went into the forest. जो जंगल में गया था। And when he was walking and traveling, he got lost. और जब वो वहाँ पर घूम रहा था, तो भटक गया। And he was very hungry. और वो बहुत भूखा था। So he saw a house in that forest. तो उसने उस जंगल में एक घर देखा। Went in and asked them if they can give him some food. वो अंदर गया और उसने वहाँ पर भोजन मांगा। He wasn't dressed in all his kingly attire. उसने अपने राजा के वस्त्र नहीं पहने थे। He went like a normal man. सामान्य व्यक्ति के समान गया था। So they didn't know that he was the king. वे नहीं जानते थे कि वो राजा है। But still they prepared food for him. लेकिन फिर भी उन्होंने उसके लिए भोजन पकाया। Made him sit down and served him this hot meal. और उसे नीचे बिठाया, गरम-गरम खाना परोसा। And when he saw the food, he immediately went for it, and when he touched the food, he burned his fingers. खाना देखते ही उसे खाने की इच्छा हुई, जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां जल गईं। And when the lady saw this, she said, "You remind me so much of our king." जब उस औरत ने उसे देखा, तो उसने कहा कि हमारे राजा की आपको देखकर याद आती है। And the king said, "What do you mean? How can you say that?" राजा ने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? And she said,
He is also a very impatient man. उसने कहा कि वो भी धीरज नहीं रख पाते हैं. When he was preparing for battle, जब वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, he wanted to conquer all the big kingdoms. वो बड़े-बड़े राज्यों को जीतना चाहते थे. He gathered up all the people in his army. उन्होंने अपनी सेना के सारे लोगों को इकट्ठा किया. And because they weren't equipped, क्योंकि वे तैयार नहीं थे, many of the men died. तो बहुत से लोग मर गए. He could have gone for all of the smaller kingdoms. वो छोटे राज्यों में जा सकते थे. And many of the men would have been saved. और बहुत सारे लोग बच सकते थे. But he wanted to go for the big kingdom. लेकिन वो बड़े-बड़े राज्यों में जाना चाहते थे. And as a result, we could see how impatient he was, and we lost so many people. और परिणाम स्वरूप हमने देखा कि वो कितने जल्दबाजी में थे. और इसी के कारण उन्होंने अपने कितने लोगों को खो दिया. If he had conquered the smaller kingdoms first, यदि उन्होंने छोटे राज्यों को पहले जीता होता, his men would have been trained. तो उनके लोग तैयार हो जाते. They would have been equipped with the right skill. वो सही योग्यता सीख जाते. And then when he goes to battle the bigger kingdoms, और जब वो बड़े राज्यों को जीतने जाते, he would have won. तो वो जीत गए होते. And the men would have been safe. और लोग बच जाते. So when I see you, I am reminded of our king. जब मैंने आपको देखा तो मेरे राजा की याद आ गई. And it struck him. इससे वो हैरान हो गए. That because of his pride, he had lost so many men. कि उनके घमंड के कारण उन्होंने अपने लोगों को खो दिया. Because they weren't trained. क्योंकि वो ट्रेन नहीं थे. And they weren't equipped. वो तैयार नहीं थे. In the same way, my dear friends. इसी तरह से प्यारे दोस्तों. In our life, we want to go for the biggest blessing first. अपने जीवन में हम बड़ी आशीषों को पाना चाहते हैं. God, I want you to give me the big things, and I want you to give it to me right now. प्रभु, मैं बड़ी-बड़ी चीजों को पाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तू अभी दे. But we forget, Lord, is it your will? लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु ये तेरी इच्छा है. And when we go through the small battles in our life, जब हम अपने जीवन में छोटे-छोटे युद्ध में से जाते हैं, we think, Lord, why am I going through this? हमें लगता है, प्रभु, मैं इसमें से क्यों जा रहा हूँ? Why are you making me suffer? तो मुझे दुख क्यों उठाने दे रहा है? But the Lord is training you even in this situation. पर प्रभु आपको इस परिस्थिति में भी ट्रेन कर रहा है. He's shaping you through these small challenges. छोटी-छोटी चुनौतियों के द्वारा वो आपको आकार दे रहा है. And when he gives you a big responsibility, you will be able to know how to handle it. और जब वो आपको बड़ी जिम्मेदारियां देगा तो आप जानेंगे कि उसे कैसे संभालें. Many times when we go through these challenges, we say, Lord, take this challenge away from me. जब हम ऐसी चुनौतियों में से जाते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु तू ऐसी चुनौतियों को हमसे दूर कर दे. Because we are not able to handle it. It is very hard for us. क्योंकि हमसे ये नहीं संभल पाएगा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है. Even Jesus said to God, Lord, take this cup away from me. यहाँ तक कि यीशु ने भी परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझसे ये कटोरा दूर कर दे. If it is your will, take it away from me. यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे. We see that in Luke 22:42-44. हम इसे लूका 22, 42 से 44 तक देखते हैं. But then in that situation, God didn't leave him alone. उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा. He sent an angel to strengthen him. उसे बल देने के लिए उसके लिए स्वर्गदूत को भेजा. Even when you are feeling weak, when you are feeling tired, when you go through these situations. जब आप कमजोर महसूस करते हैं ऐसी परिस्थितियों में से जाते हुए, जब आप थक जाते हैं. When you feel helpless, when you want to just get out of it. जब आप असहाय महसूस करते हैं, इसमें से निकल जाना चाहते हैं. God will strengthen you. प्रभु आपको बल देगा. He will send you someone for you to be strengthened. वो आपके लिए किसी को भेजेगा कि आपको बल दे. He will send you the right help to strengthen you. वो आपके लिए सही मदद भेजेगा कि आपको बल मिले. So don't be discouraged, my dear friends. तो निराश ना हो मेरे दोस्तों. And don't say God is not with me. और ऐसा ना कहें कि प्रभु मेरे साथ नहीं. God is not listening to me. प्रभु मेरी नहीं सुन रहा. God is far away from me. प्रभु मुझसे बहुत दूर है. My dear friends, God is simply waiting. मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल इंतजार कर रहा है. For you to be trained and shaped. ताकि आपको तैयार कर सके, आकार दे सके. So that when he blesses you with that big blessing. तो जब आपको वो बड़ी आशीष देता है. You are ready for it. तो आप इसके लिए तैयार होते हैं. And you will know how to handle it. आप जानते हैं कि इसे कैसे संभालें. So be of good cheer, my dear friends. तो मेरे दोस्तों, दृढ़ हो जाएं. Don't be discouraged. निराश ना हो. As we see in Ecclesiastes 3:11. जैसे कि हम सबोपदेशक 3:11 देखते हैं. He makes everything beautiful in its time. वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है. So let us receive this and let us thank the Lord
for this blessing. तो आइए इसे ले लें, इस आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद दें. Lord, today thank you for granting us the patience to wait for the blessing that you're about to give us. प्रभु धन्यवाद कि जो आशीष तू हमें देने वाला है उसके लिए हम धीरज धरें. Let your children never be discouraged. तेरे बच्चे कभी निराश ना हों. And never say God is silent or not listening to me. और ना कहें कि प्रभु चुप है और मेरी नहीं सुनता. But Lord, send them help so that they know that even during this challenging time that you are with them. प्रभु तू मदद भेज ताकि चुनौती के समय जाने कि तू इनके साथ है. Show them that you care for them, Lord. तू दिखा कि तू इनकी परवाह करता है. And as you shape them and as you mold them into who you want them to be. जैसे तू इन्हें आकार देता है, जैसे तू चाहता है इन्हें बनाता है. And as you prepare them for their blessing. जैसे तू इनकी आशीष के लिए इन्हें तैयार करता है. Give them the enough endurance, Lord. ताकि तू इन्हें बहुत सा धीरज दे. Give them your strength. तू इन्हें अपना बल दे. And give them your wisdom. और अपनी बुद्धि दे. To overcome each challenge that they face. ताकि हर चुनौतियों पर ये जयवंत हो जाएं. And prepare them to receive a big blessing from you. इन्हें तैयार कर कि ये तुझसे बड़ी आशीषों को पाएं. Thank you that you're going to bless them at the right time. धन्यवाद कि तू इन्हें सही समय पर आशीष दे रहा है. And that you have made everything beautiful for them. क्योंकि तूने इनके लिए सब कुछ सुंदर बना रखा है. Bless them with all your heart. अपने पूरे हृदय के साथ इन्हें आशीष दे. In Jesus name I pray. यीशु के नाम में मांगते हैं. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Don't forget to send in your questions in the comments. कमेंट में अपने सवाल लिखना ना भूलें. And we'll get back to you next week with a brand new question. अगले हफ्ते एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. And a new answer. और नए जवाब के साथ. Bye. Bye. Are you looking for answers just like them? How to overcome the trust issues? How to find purpose for our life? To clear up these doubts, our U-turn leaders Samuel Dinegrin and Stella Ramola are going to answer your questions. Even while coming in line for prayer, some people say, Anna, please pray for me that I should get this girl. They even show her picture and want me to lay my hands and pray. Many times we face something that is so beautiful, something that is so tempting, but we know that when we do it, it is wrong. So we need to have self-control in order to do the right thing. WhatsApp your questions to us by recording a selfie video and share it with us on 80561-3988. Don't forget to watch these programs on our television channels and turn your life around.